नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टारगेट में। दोस्तों, आज हम जो पिछले वर्षों में वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें ताकि आपको शिक्षा से संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, ये पिछले वर्षों का वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर है। इसमें लगभग 180 क्वेश्चन आए थे और 3 घंटे का टाइम था और 300 नंबर का ये पेपर था और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग थी। तो दोस्तों, इस पेपर में आप देख सकते हो लगभग सभी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें हिंदी, मैथ, राजस्थान जीके, इंग्लिश, साइंस, इन सभी से इसमें क्वेश्चन मिले थे। दोस्तों, इसमें देख सकते हो आप हिंदी के लगभग 45 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे और कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के भी थे दोस्तों, मैथ और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके से इसमें देखने को मिले थे। राजस्थान जीके में दोस्तों इसमें लगभग 60 क्वेश्चन इसमें डाले गए थे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी, देख सकते हो आप दोस्तों। इस पेपर का दिखाने का मकसद यही है कि दोस्तों, अब लगभग वुमेन सुपरवाइज़र की डेट फिक्स हो गई है। 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी गई है और 1 महीने में आप किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हो वो आप इस पेपर को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अपने को फोकस देना है। दोस्तों, इस पेपर से मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा 6 जनवरी को, उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस पेपर से। ये हर बार होता है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर से उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि आप इस पेपर को एक बार ज़रूर देखें और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके आंसर ढूंढ के आप इसमें टिक कर सकते हो, उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।